एक कैंसर पीड़ित 10 साल के बच्चे को 20 मिनट के लिए प्रयागराज का कमिश्नर बना दिया गया। प्रयागराज के कमिश्नर ने ये इसलिए किया क्योंकि कैंसर से पीड़ित 10 साल के बच्चे का सपना पढ़ लिख कर IAS बनना था। इसलिए प्रयागराज के कमिश्नर ने उसे 20 मिनट का कमिश्नर बनाकर उसका सपना पूरा कर दिया। 10 साल के सचिन की इच्छा थी कि वो बड़ा होकर IAS बने और अनाथ बच्चों की मदद करे। प्रयागराज के मंडल कमिश्नर ने प्रतीकात्मक तौर पर कैंसर पीड़ित सचिन को कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाकर उसके सपने को साकार किया। इस दौरान कैंसर पीड़ित बच्चे के चेहरे पर खुशी की चमक दिखी। आपको बता दें कि प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके के धार गांव के सचिन को पेशाब की थैली का कैंसर है। उसका इलाज यूपी के प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चल रहा है। गाँव के स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ने वाले सचिन की इच्छा थी कि वो बड़ा होकर IAS बने। कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद सचिन पिछले दिनों तक स्कूल जाता रहा। सचिन के सपने को साकार करने के लिए अनिकेत स्माइल फाउंडेशन ने आगे आकर प्रयागराज कमिश्नर से बच्चे का सपना पूरा करने की बात कही। प्रयागराज कमिश्नर ने भी मास्टर सचिन के लिए आगे बढ़कर उसे 20 मिनट के लिए प्रयागराज के कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाया। और इतना ही नहीं बल्कि कैंसर पीड़ित सचिन के लिए प्रयागराज के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने खुद मास्टर सचिन को कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाकर बुके और उपहार भेंट कर उसका स्वागत किया। इस मौके पर कमिश्नर से बात करते हुए सचिन ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा सर, मैं डरता नहीं हूँ। प्रयागराज के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि सचिन की इच्छा शक्ति काफी ऋण है। इसकी चाहत के बारे में जब पता चला तो ये खास कार्यक्रम रखा गया ताकि उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, ताकि वो अपनी इस बीमारी से लड़ने में मानसिक रूप से सशक्त बने। सचिन का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि सचिन को रेब्डोमायोसार्कोमा नामक एक दुर्लभ कैंसर की बीमारी है जो 1 लाख बच्चों में से एक बच्चे को होती है। ये 10 से 16 साल के बच्चे में होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। प्रयागराज के SRN अस्पताल में सचिन के इलाज के लिए पहले कीमोथेरेपी दी गई और उसके बाद रेडिएशन दिया गया, जिससे सचिन की स्थिति में काफी सुधार आया है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके पेशाब की थैली के पास से गांठ निकाली गई। हालांकि पहले माता पिता बच्चे के इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए। वो लखनऊ के कई बड़े अस्पताल गए जहां उन्हें वहां से लौटा दिया गया। अब प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में सचिन का इलाज चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।